So next topic is angle between vectors. Okay, means दो vector अगर वो parallel नहीं है, same vector नहीं है, equal vectors नहीं है, तो उनके बीच कोई angle होगा. उसे निकालने के लिए उसे हम कैसे निकालेंगे. Okay, so suppose this is a vector. So this ये vector का head हो गया, ये tail हो गया, और ये length जो हुई उसका वो magnitude हो गया. ठीक है, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी. द टेल ऑफ बी, देखो बी का टेल जो है ए के हेड पर है, जिसको बोला द टेल ऑफ बी इज ऑन हेड ऑफ ए. ओके, वेक्टर को हम साइन कैसे डिनोट करते हैं. सपोज ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एक एरो मार्क होगा. ओके, एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, उसको बोल्ड लेटर्स लिखना. सपोज x इज वेक्टर है अगर, तो x को बोल्ड लेटर्स लिख दिया. ये पुराने बुक्स में फॉलो होते थे प्रोसीजर वेक्टर्स को लिखने के, बट अब जो जितने रिसेंट बुक हैं सब में हम एरो मार्क आप देखोगे. सो इसको बोलते हैं, ये देखो ये वेक्टर है सी वेक्टर, ये वेक्टर डी वेक्टर, ये क्या इसका टेल है, ये टेल है, इसको बोलते हैं टेल टू टेल ओरिएंटेशन. इसका टेल के ऊपर टेल है, टेल टू टेल. देखो इसके हेड के ऊपर इसका टेल है, ये क्या बोलोगे, हेड टू टेल. ओके, अब देखो यहाँ पर देखो हेड टू हेड, ये हेड है इसका, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, हेड टू हेड, ये क्या है, फिर टेल टेल, इसका टेल है, ये इसका टेल है, टेल मतलब पीछे का, हेड टेल, हेड टेल, टेल टू टेल. ओके, सो एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स है वो तभी डिफाइंड है इफ़, इफ़ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ. सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी डिफाइंड है जब या तो वेक्टर जो है हेड टू हेड हो और टेल टू टेल हो, या तो हेड टू हेड हो या तो टेल टू टेल हो. अगर वो हेड टू हेड नहीं है या टेल टू टेल नहीं है तो उसके बीच का एंगल आप डिफाइन तब तक नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है. तो 45 डिग्री देखते मत बोल देना कि ये ए और बी के बीच का एंगल 45 डिग्री है, पहले देखना वो टेल टू टेल है या नहीं है. तो देखोगे टेल टू टेल है, सो बोलोगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल टू 45 डिग्री इस केस के लिए. चलो इस केस में देखो ए वेक्टर बी वेक्टर इसके बीच 120 दिया है. मैंने क्या बोला, देख 120 दिया हुआ है, इसको देखते मत बोल देना कि नहीं ये एंगल 120 डिग्री है वेक्टर के बीच का. नहीं, पहले वो या तो हेड टू हेड होना चाहिए और टेल टू टेल. तो देखो इसका हेड है और इसका भी हेड है, तो दो हेड के बीच का एंगल ही है. देन ओके, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 120 डिग्री. अब थर्ड केस देखो, यहाँ मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, तुम देखोगे कि इसका हेड पर इसका टेल है. ओके, तब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे. अब बोलोगे अगर 120 डिग्री 110 डिग्री अगर इसका एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा. सही कैसे होगा, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड है जब वो टेल टू टेल हो और हेड टू हेड हो. तो चलो हम क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, और इसकी लेंथ है, देखोगे लेंथ इसकी मिलेगी अराउंड 3.5. सो हम क्या करेंगे, इसको अगर एक और वेक्टर मैं इसी डायरेक्शन में 3.5 को खींच दूँ, और डायरेक्शन ये कर दूँ, तो ये वेक्टर अगर ए था ये भी वेक्टर ए ही होगा. क्यों, मैंने बताया था कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे कब, जब उनका लेंथ सेम हो, तो लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम है. ओके, ये वेक्टर कैन ट्रांसलेट पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इट विल नॉट चेंज. सो अब ये वेक्टर यहाँ पर आ गया, तो इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए अब, और ये सपोज कर बी वेक्टर था, तो ये एक लाइन हो गया, और लाइन के ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है.
तो ये पार्ट 110 है, तो ये पार्ट क्या होगा, 180 में से माइनस कर लोगे 110, ये 180 होता है कंप्लीट, ये 110 है तो कितना हुआ 70 डिग्री, तो ये क्या हो गया 70 डिग्री। सो ये वेक्टर ए था, ये भी वेक्टर ए ही है, तो ए बी का एंगल, अब देखो ये टेल टू टेल हो गया, ये बी का टेल ही है, ये ए का टेल है। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच के एंगल को बोलोगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल टू 70 डिग्री, नॉट 110 डिग्री।